ओके साथियों, अब हम जो अपने वार्म अप से पहले जो हम एक्सरसाइज करते हैं वही एक्सरसाइज हमें करनी है। जैसे वार्म अप से पहले हमें पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरी मांसपेशियों को स्ट्रेच करके ही वार्म अप करेंगे, जिससे एक तो हमें दौड़ने में बहुत आसानी होगी, एक रिलैक्स फील होगा और हमारी कभी भी कोई इंजरी नहीं होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सर से ऊपर से लेके नीचे तक अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हुए चलेंगे, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पहले अपने दोनों अंगूठे अपनी ठोड़ी पे लगा के इसको गर्दन को स्ट्रेच कीजिए। ओके, अब नीचे की ओर। यस, अब साइड करनी है। ओके, साइड चेंज। ओके, अब हमें शोल्डर स्ट्रेच करना है। अपनी एल्बो को अपने ये जो अपने कोहनी है इसके नीचे रखिए एंड और स्ट्रेच कीजिए इसको ऐसे। अब दूसरे शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए। अब अपनी कोहनी से अपने हाथ से इसको शोल्डर को ऐसे स्ट्रेच कीजिए पीछे की ओर। ओके, दोनों साइड से हमें एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब हमें अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी हमारी, बिल्कुल भी इसको हाथ को बेंड नहीं करना है, दोनों को करेंगे। ओके, अब हम साइड करेंगे। ये 5 times करनी है, 5 times राइट और लेफ्ट, इस तरीके से हम इसको 10 times करेंगे। ओके, अब हमें बिल्कुल सावधान पोजीशन पे खड़े होके ऊपर से हाथ लेके आने, नीचे की ओर बेंड होना है, ये हमें 3 times करना है। ओके, ऐसे इसको हम 3 times करेंगे। अब हम अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे, तो पैर एकदम विश्राम स्थिति में खड़े होना है हमें और स्ट्रेच करना है। वेरी गुड, इस एक्सरसाइज को भी हमें 3 times करना है। अब हम अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे इससे की ओर, बिल्कुल होल्ड कीजिए यहाँ पर दोनों साइड से। वेरी गुड, अब हमें राइट पैर को स्ट्रेच करना है, आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। गुड, ओके, अब चेंज करेंगे, अपनी टॉक को कमर तक लेके आनी है, पंजे को अपनी ओर खींचिए। गुड, अब ये बिल्कुल अपने दोनों हाथों पकड़ के हमें जो अपने काफ की है, जो अपने पैरों की है, स्ट्रेच करनी है मसल को, ऐसे हम इसको 10 times करेंगे। वेरी गुड, इस तरीके से हमें ये 10 times ये करनी है। अब हम पैर को आगे रख के, ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे वाला, दोनों साइड हमें ये करनी है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करनी है। वेरी गुड, ओके, अब हमें दोनों पैर को बिल्कुल खोल के और हमें ये एक्सरसाइज करनी है टो टच 10 times 10 times 5 times राइट साइड, 5 times लेफ्ट साइड, दोनों साइड हमें ये एक्सरसाइज करनी है। ओके दोस्तों, अब हमें सिर्फ 10 to 15 seconds नॉर्मल खड़े खड़े जंपिंग करनी है, जिससे हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो और गर्म हो। ओके दोस्तों, ये हमारा वार्म अप से पहले कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी, जिससे हमारी पूरी मांसपेशियां और मसल्स खुल जाएं और हमें दौड़ने में आसानी हो। अब हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स गो। आज हमें कम से कम लास्ट टाइम हमने 8 to 10 minutes वार्म अप किया था, आज हम 10 to 15 minutes के बीच अपना वार्म अप करेंगे, बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है। ओके, स्टार्ट। वेरी गुड, ये हमारा पहला काम है, हमारा वार्म अप से पहले एक्सरसाइज, उसके बाद हम ये 10 to 15 minutes कंटिन्यू रनिंग करेंगे। रनिंग करने के बाद हम आगे अपना वर्कआउट करेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारा वार्म अप हो गया है और वार्म अप के बाद जब हमारी रनिंग हो जाए, उसके बाद हमें ये जो रनिंग की जो ड्रिल्स है वो करनी है। इन ड्रिल्स से आपके अंदर जो स्पीड बढ़ेगी आपकी,
प्लस आपकी लेग्स की, पैरों की अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, जिससे आपके, आप जब रनिंग दौड़ोगे तो आपके पैर लंबे लंबे खुलेंगे। सेकंड, आपकी आपकी में स्ट्रेंथ, ताकत आएगी, जो हमें, क्योंकि हमें जब 1600 मीटर हम जब रेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हम रनिंग ड्रिल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे सबसे पहले हमें हाई नी एक्सरसाइज करनी है। हाई नी मतलब अपने नी को फुल हाइट, कमर की साइज तक लेके आना है, और इनको बिल्कुल क्लोज पंजे पे हैं ये चलेंगी। ओके, स्टार्ट हाई नी, ये हमें 15 सेकंड तक करनी है। उसके बाद हमें 10 से 15 मीटर की स्प्रिंट लगानी है। ओके ओके दोस्तों, अब हम जो सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी कर रहे हैं वो बैक किक, ये हमारी बैक किक लगानी है, और हमें पंजों पे रहना है, और हमारी जो ये एडी है वो हमारे हिप के टच होती हुई चलेगी। जैसे ओके स्टार्ट करिए, 15 सेकंड तक हमें करनी है नॉर्मल पोजिशन में, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल हिप के हमारी एडी लगनी चाहिए। अब हम 15 सेकंड तक करने के बाद इसमें 15 मीटर की हम स्प्रिंट लगाएंगे। ओके ओके, जो अब हमारी तीसरी जो एक्सरसाइज है वो लंजेस करनी है। हमें जंपिंग में ये पैर ऐसे लंजेस करते हुए चलना है। ओके स्टार्ट करो, स्टार्ट, वेरी गुड, दोनों पैर जंपिंग में रहेंगे और ये पंजे पे ही चलेंगी, एडी नहीं लगनी चाहिए हमारी। ये भी हमें 15 सेकंड ही करनी है, उसके बाद स्प्रिंट लगाएंगे 15 मीटर की। ओके ओके, अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जंपिंग में करनी है। हमारे कमर पे हाथ रखने हैं और हमें छोटे छोटे जंप के साथ हमें आगे बढ़नी है, और ये हम पंजे पे रहेगी हमारी, ये हमें बिल्कुल ये हील टच नहीं करनी है, सिर्फ पंजे पे ही हमें चलते हुए जंपिंग करनी है। ओके स्टार्ट, वेरी गुड, ये भी हमें 15 सेकंड ही एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद 15 मीटर की स्प्रिंट हम लगाएंगे। ओके ओके दोस्तों, अब हम जो पांचवें नंबर की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है हमारी टो टच एक्सरसाइज। हमें ये भी पंजे के बल रहेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज है पंजे के बल रहेगी। एडी के ऊपर कोई एक्सरसाइज होगी वो हम आपको बता दूंगा, और हमें पंजे को टच करना है क्रॉस में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ हमें 15 सेकंड तक ही एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टार्ट, वेरी गुड, ओके अब हम स्प्रिंट लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब हमें पूरे पैरों को सीधा फेंकते हुए दोनों हाथों से क्लैप करनी है। ओके स्टार्ट करो, ये भी हमें 15 सेकंड एक्सरसाइज करनी है, 15 सेकंड के बाद 15 से 20 मीटर की हमें स्प्रिंट लगानी है। ओके दोस्तों, अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, जो सातवीं एक्सरसाइज है, वो हम सिंगल लेग से जंप करेंगे। इसमें हमारा एक पैर पंजे पे रहेगा और दूसरा पैर आगे की ओर रखते हुए पंजे पे, एक पंजे पे जंप करने हैं, और उसके बाद हम बीच में उसको चेंज करेंगे। 15 सेकंड हम राइट पे रखेंगे, 15 सेकंड ही लेफ्ट पे रखेंगे, उसके बाद फिर हमें 15 से 20 मीटर की एक छोटी सी स्प्रिंट लगानी है। ओके स्टार्ट करो, यस, ओके चेंज, ओके जय हिंद दोस्तों, आज हमारा वार्म अप हो चुका है, और अब हम जो आज का हमारा जो थर्ड वीक चल रहा है, हमारा थर्ड वीक स्टार्ट है, तीसरे सप्ताह का हमारा आज पहला दिन है, और आज हम जो एक एक किलोमीटर की दो स्प्रिंट लगाएंगे, जिसका टाइम वैसे तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लगानी है, जैसे आपका जो 70% है 30% पावर बचाते हुए वो चीज़ करनी है। इसमें अपने मान लो 3 मिनट से लेके 3.5 मिनट के बीच में अपने को 1000 मीटर की दो रेपिटेशन लगानी है। 1000 मीटर की दो स्प्रिंट के बीच में 5 मिनट का रेस्ट रहेगा। जैसे एक अपने 1 किलोमीटर का एक लगा लिया, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट रहेगा, फिर 1 किलोमीटर लगानी है अपने को, फिर 5 मिनट का रेस्ट करना है। उसके बाद हमें 400 मीटर की चार स्प्रिंट लगानी है। जो 400 मीटर की जो चार स्प्रिंट लगेंगी उनमें हमें 3-3 मिनट का रेस्ट लेना है। मतलब एक 400 मीटर कंप्लीट करने के बाद आप 3 मिनट का
कूल डाउन करोगे, फिर आप वापस 400 मीटर लगाओगे और कूल डाउन करोगे। 400 मीटर की जो स्प्रिंट लगानी है वो हमें 1 मिनट से लेके 1 मिनट 20 सेकंड के बीच में लगानी है। ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट जो 1 किलोमीटर के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके रेडी, वेरी गुड। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमें बिल्कुल स्लो स्लो 3 मिनट से लेके 3.5 मिनट तक ये 1 किलोमीटर लगाना है। अगर कोई 3.5 मिनट तक नहीं भी आ पा रहा है तो 4 मिनट तक उसकी आनी ही चाहिए, ये टाइम हमें चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से ये हमारी जो 1600 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में हमारी रेस तैयार होगी। अब हम 1600 मीटर का जो वर्कआउट है वो अब हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी लास्ट दो वीक थे उसमें हमने फिटनेस वर्क और ग्राउंड के टच हुए, हमने बिगनिंग स्टार्ट दिया और अब से हम अपना जो 1600 मीटर का जो वर्कआउट है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया 1 किलोमीटर के 2 रेपिटेशन और 400 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने हैं, 400 लगानी है। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो अब हम जो ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इससे हमारी जो कोर जो पेट की जो मसल्स हैं, पेट में हमारे करीब 200 मसल्स होती हैं, उनके लिए जब भी हम दौड़ते हैं तो सबसे ज़रूरी ये हम लोग सोचते हैं हाथ और पैर से दौड़ा जाता है, जबकि अपना जो सेंटर है जो पेट है इसकी फोर्स लगती है और ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ये मजबूत होगा उतनी हमारी स्पीड और हमारा फिटनेस लेवल दोनों इनसे बनेंगे। ये हमें इसके हमें 3-3 सेट करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके स्टार्ट करो, कोर एक्सरसाइज है हमारे पेट के लिए। ओके स्टार्ट, पैर बिल्कुल पीछे से क्लोज रहेंगे दोनों, यस, और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से हमें होल्ड करनी है। ये इसके हमें 3 सेट करने हैं और हम जो भी हम सेट करेंगे वो 1-1 मिनट के सेट होंगे। डे बाय डे हम इसमें टाइम इंक्रीज करते रहेंगे, टाइम बढ़ाते रहेंगे। जैसे आज हम इसको 1 मिनट का कर रहे हैं, कल हम इसको 1 मिनट 5 सेकंड का कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे ऐसे 5-5 सेकंड बढ़ाते हुए चलना है और हमें इसको कम से कम 7 से 10 मिनट तक हमें इसको होल्ड करके लेके जाना है। ओके साइड चेंज, ये लेफ्ट साइड करेंगे हम। ओके पूरी बॉडी उठा के रखेंगे, वेरी गुड। इसको भी हमें उतनी सेकंड 1 मिनट तक होल्ड करना है जितना भी आपसे हो, टाइम इंक्रीज आप करते रहिए। ओके चेंज, नेक्स्ट, वेरी गुड। ये दोनों साइड से हमें करनी है और इसके भी हमें 3 सेट करने हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल होल्ड, एक बिल्कुल बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। ओके नेक्स्ट बैक, शाबाश। ये पैर फोल्ड करके हमें बिल्कुल शोल्डर और पैर टिके होने चाहिए और ये ब्रिज टाइप में हमारा बनना चाहिए एक, वेरी गुड। ये होल्ड कमर को उठा के रखना है ऐसे और इसके भी हम 3 सेट करेंगे। इस प्रकार से हमें 3-3-3-3 करके ये 12 सेट हो जाएंगे टोटल, ये वर्कआउट के बाद करना है। ओके नेक्स्ट, अब हम ये जो कोर एक्सरसाइज है इसकी स्ट्रेंथ के लिए जो ये लास्ट एक्सरसाइज है, हम ये दोनों बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, पूरी बॉडी उठा के पंजों पे हथेलियों पे रहेगा पूरा वजन, वेरी गुड, सामने देखते हुए, शाबाश। ये हिप डाउन रहेगी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमें, वेरी गुड। ओके ओके दोस्तों, अब हमें ये रोज करनी है ये एक्सरसाइज, डे बाय डे अल्टरनेट डे करेंगे। एक दिन हम ये करेंगे जिस दिन ये वर्कआउट होगा, प्लैंक है, ये प्लैंक बोलते हैं इनको, ये स्ट्रेंथ के लिए आती है, हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। ओके ओके दोस्तों, अब हम जो हमारा जो प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस के बाद अब हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये हमें वर्कआउट के बाद रोज करनी है जिससे कि हम अगले दिन के लिए तैयार होंगे और हमारी मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे हमारे बिल्कुल भी इंजरी नहीं होती है। जितनी हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर की बढ़ाएंगे उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी। ओके स्टार्ट करो, वेरी गुड। ये दोनों हाथों से टच करनी है, पूरी कमर को स्ट्रेट और घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, यस नेक्स्ट। ओके ये सिंगल लेग को अंदर करके, वेरी गुड। ये जितनी भी एक्सरसाइज है इनको हम 3-3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, वेरी गुड नेक्स्ट।
ओके नेक्स्ट, ये दोनों पैर वाइड करके बिल्कुल खोल के ये से टच करनी है हमें 10 times, 5 times लेफ्ट में और 5 times राइट में। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट। ये घुटने को पैर के ऊपर रख के बिल्कुल स्ट्रेच करना, हाथ सीधे रखो बिल्कुल। हाँ, पंजे को अपनी ओर खींचो, पंजे को खींचो अपनी ओर। गुड नेक्स्ट, होल्ड किया कर 3 seconds। गुड यस, ये घुटने को इस साइड लाके बिल्कुल सीधा रखना है, जो लेफ्ट को राइट को स्ट्रेच करना है। वेरी गुड, होल्ड करो, होल्ड करो 3 seconds। गुड ओके नेक्स्ट। हाँ, अब हमें बिल्कुल सीधा लेट जाना है और हमें अपने पैर घुटने को अपनी ओर खींचना है दोनों हाथों से। होल्ड करो 3 seconds। गुड नेक्स्ट, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने एंकल को पकड़ो बिल्कुल। गुड यस, एंकल को पकड़ो, घुटने ये बिल्कुल पैर सीधा रहेगा, स्ट्रेच करो। गुड ओके नेक्स्ट। ओके, अब ये हमारी जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी कमर बहुत टाइट हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है, कमर भी हमें रिलैक्स रखनी है, इसके लिए स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करो सभी एक साथ, होल्ड करो, इसे रोक के रखना है हमें 10 seconds तक, इससे हमारी कमर रिलैक्स हो जाएगी। गुड ओके, इसके हमें 3 sets करने हैं और ये पैर फोल्ड करके आगे की साइड खींचो, हाथों को आगे की ओर बढ़ो। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ाओ हाथों, हाथों से खींचो आगे की, अपनी कमर को स्ट्रेच करो। वेरी गुड ओके नेक्स्ट। यस, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के रोल करना है। वेरी गुड ओके, अब फुल रोल करो। शाबाश, पैर बिल्कुल घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे दोस्तों, जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे पैर बिल्कुल, पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, आर्स पैर सीधे करो। वेरी गुड, स्ट्रेच करो। गुड ओके, रिपीट करो ऐसे में 3 times करनी है एक्सरसाइज, जिससे हमारी कमर रिलैक्स हो जाएगी आगे की ओर। बिल्कुल पैर सीधे रख के घुटने नहीं मुड़ने चाहिए हमारे। ओके दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी जो हमें वर्कआउट के बाद रोज करनी है, और ये जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी ये ज्यादा से ज्यादा 3 seconds से लेके 5 seconds तक हर एक्सरसाइज को हम रोक के ही रोज करेंगे।